हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द डायमीटर ऑफ रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। इफ इट टेक 100 रिवोल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, आपको एक गिवन है रोलर। अब इसका काम क्या है, एक प्लेग्राउंड है, ओके, उसको लेवल करने के लिए इसको यूज किया गया है। अब यहां पर जो आपका रोलर है, इसका डायमेंशन भी गिवन है। अब देखिए, ये जो आपका रोलर है ये कैसा है, सिलेंडर की फॉर्म में है। तो बच्चों, आपको डायमेंशन गिवन है इस रोलर का, तो आप यहां पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर। डायमीटर का वैल्यू है 84 सेंटीमीटर, ओके। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, सो देट कि आपका कैलकुलेशन पार्ट ईजी हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा 0.84 मीटर, ओके। सिंपली आपने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपको लेंथ भी गिवन है। लेंथ का वैल्यू है आपका 1.5 मीटर। देखिए, ये जो लेंथ है बेसिकली क्या है, इस रोलर की हाइट है। देखिए, ये जो आपका रोलर है, इसका जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, हाइट है, ओके। तो हमने यहां पर लिख लिया जो आपका रेडियस है और यहां पर जो हाइट है, ओके, यहां तक होगा। तो ये जो हाइट है आपका, हाइट का वैल्यू है 1.5 मीटर। अब बच्चों, आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ इट टेक्स 100 रिवोल्यूशंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड, यानी कि इस रोलर को 100 चक्कर काटने पड़ते हैं, यानी कि 100 बार घूमना पड़ता है इस प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। मान लीजिए यहां से इसने स्टार्ट किया और एक कंप्लीट राउंड इस तरीके से आपका पूरा हुआ। अब इस तरीके से इसने 100 बार राउंड लगाया, तब जाके ये प्लेग्राउंड आपका लेवल हुआ। अब आगे बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर, यानी कि आपको कॉस्ट निकालनी है इस ग्राउंड को लेवल करने की, किस रेट से, 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर इस रोलर ने एक राउंड कंप्लीट किया, इसका सिंपल सा मतलब है कि जितना भी आपका ये सरफेस एरिया है बाहर का, ये पूरा का पूरा यहां पर घूम के गया है। इसका सिंपल सा मतलब है हम फाइंड कर लेंगे एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन वन रिवोल्यूशन। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं एरिया कवर्ड बाय द रोलर। अब देखिए, ये किसके बराबर होगा, ये आपका इन वन रिवोल्यूशन है, ओके। यानी कि जब ये रोलर आपका एक बार घूमा, एक बार चक्कर लगाया, ये किसके बराबर होगा, कवर्ड सरफेस एरिया, ओके, ऑफ रोलर, ओके। यानी कि जो आपका कवर्ड सरफेस एरिया है वो एक आपका जो एक राउंड कंप्लीट हुआ है उसके अंदर आता है। तो हम यहां पर निकाल लेंगे कवर्ड सरफेस एरिया, ओके। तो आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। आपको फॉर्मूला मालूम है 2πRh, ओके। तो यहां पर आप वैल्यूज को रख देंगे 2 × 22/7 आर का वैल्यू। देखिए, ये आपकी डायमीटर थी, ओके। तो सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.42 मीटर। सो दिस इज द रेडियस। तो आप यहां पर लिखेंगे 0.42, ओके। इसके बाद आप लिखेंगे हाइट, जो आपकी लेंथ थी, तो आप यहां पर लिखेंगे 1.5। अब बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस डेसिमल को आप हटा देंगे और नीचे आपका जाएगा 100 और 7 से ये आपका कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ओके। उसके बाद आप इन वैल्यूज को आप ऐसे ही छोड़ दें, ओके। 2 × 22 × 6 × 1.5। अब आप इसको लिख देंगे कुछ इस तरीके से, 100 आपका नीचे आ जाएगा और यहां पर आप इसको छोड़ दें।
तो बच्चों अब आपको निकालना है जिस ग्राउंड को हमने लेवल किया है, यानी कि ये जो रोलर है, ठीक है, 100 बार इसने राउंड कंप्लीट किया है, तो उसका एरिया आपको फाइंड करना है, जो ग्राउंड है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इसके बाद आपको लिखना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, ठीक है, यही तो आपको निकालना है। और ये क्या होगा, देखिए ये जो रोलर है आपका 100 बार इसने रिवॉल्व किया है, ओके, इस ग्राउंड को लेवल करने के लिए, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपने यहाँ पर CSA निकाला है सिंगल रोलर का, तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आप यहाँ पर लिखोगे CSA ऑफ वन रोलर, ओके, इसके बाद आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पूरा का पूरा जो आपका वैल्यू है इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 × 1.5 / 100। अब देखिए ये 100 आपका इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 396 m². तो बच्चों अब आपने एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड तो निकाल लिया है, लेकिन इसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट। तो बच्चों कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए कॉस्ट आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 m², ठीक है, इतना एरिया अगर हम लेवल करते हैं तो कितना खर्चा आता है, 50 पैसा, ओके, इसका सिंपल सा मतलब है ₹0.5, है ना, यही तो मतलब है। अब देखिए अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 369 m², ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को लेवल करने का टोटल खर्चा कितना होगा, तो आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, ओके, आपको 1 m² का वैल्यू गिवन है, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट ₹190, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक पार्लियामेंट है और वहां पर आपके 20 पिलर्स हैं, ओके, इनको क्लीन करना है, सफाई करनी है। अब देखिए ये जो आपका पिलर है इसका जो शेप है वो कैसा है, सिलेंडर जैसा। तो बच्चों ये जो पिलर्स हैं इनका डायमेंशन आपको गिवन है, डायमीटर हम यहां पर लिख लेते हैं, डायमीटर का वैल्यू है 0.50 m, तो आप निकाल लेंगे रेडियस, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 m। हाइट आपको गिवन है 4 m। अब देखिए आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग दैम एट द रेट ऑफ ₹2.50 per square meter, यानी कि आपको कॉस्ट निकालनी है क्लीन करने की और रेट आपको क्या गिवन है, 2.50 per square meter के हिसाब से। तो बच्चों अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, जब आप इसको क्लीन करोगे, ठीक है, तो आपका जो टॉप है इससे कोई मतलब नहीं है और आपका जो बॉटम है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, क्लीन आप ये वाला एरिया करोगे। आप यहां पर देख सकते हो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसी को सिर्फ आप क्लीन करोगे, तो सिंपली आप यहां पर जो एरिया निकालोगे वो किसका निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए हम यहां पर निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर, ठीक है, सभी पिलर्स आपके सेम हैं, तो हम यहां पर हर पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और वो क्या होगा आपका 2πRh, ओके, तो सिंपली आपको वैल्यूज को पुट करना है, तो चलिए हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7 × 0.25 × 4 m। तो बच्चों इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, इस डेसिमल को हटा दोगे और नीचे आपका आ जाएगा 100, ओके, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 25 के टेबल में आपका 100 आता है 4 पे, ठीक है, तो इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 44/7, तो ये आपका आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर, यानी सिंगल जो पिलर है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका वैल्यू होगा 44/7 m². तो बच्चों ये तो आपने फाइंड किया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिंगल पिलर, अब आप फाइंड कर लेंगे 20 पिलर्स का, क्योंकि आपके पास इस तरह के कितने पिलर्स हैं, 20 पिलर्स हैं, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं CSA ऑफ 20 पिलर्स, तो यानी कि आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, ठीक है, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 20 पिलर्स का। अब बच्चों आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग पर स्क्वायर
मीटर, ठीक है, यानी कि आप मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, कितना है रुपीज 2.50, ठीक है, 2.5 रुपए के हिसाब से। अब आपको निकालना है 20 प्लस का कितना कॉस्ट निकल के आएगा, तो बेसिकली आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा कि 20 पिलर्स को क्लीन करने का जो टोटल कॉस्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 20 पिलर्स, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट को, ओके, आपके पास आ जाएगा 20 × 44/7 × 2.50, तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना 314.28। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ये आपका रुपीज में आएगा, ओके।